आज की वीडियो में मैंने ब्रेड से बनने वाली बहुत ही टेस्टी ऐसी रेसिपी शेयर की है जिसको आप झटपट घर के थोड़े से ही सामान से बनाकर रेडी कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। इसको मैंने किस तरीके से बनाया, चलिए देखते हैं। तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैंने ब्रेड कटलेट की रेसिपी शेयर की है जिसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से फुल वेजीज का यूज़ करके बनाया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज कटलेट। उसके लिए आपको यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड लेके ऐसे पानी में थोड़ा सा डिप करके इसका सारा एक्स्ट्रा बॉटर निकाल लिया है। तो मैंने 3 से 4 ब्रेड को पहले ही कर लिया था, 2 से 3 ब्रेड मैंने आपको दिखाने के लिए किया। तो आप ध्यान रखिए, ब्रेड बहुत सॉफ्ट होता है तो आपको हल्का सा डिप करना है और इसका सारा एक्स्ट्रा बॉटर निकालना है। पानी आपको एकदम अच्छे से स्क्वीज करना है, नहीं तो ये बाद में बनाते टाइम गीले हो जाते हैं। तो इनको ऐसे आप निकाल लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लेंगे हाथों से। अच्छे से मैश करने के बाद अब हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल यूज़ किए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज, एक छोटी शिमला मिर्च और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च को अच्छे से फाइनली चॉप किया है, वो हम इसमें डालेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल रश्मीज़ फूड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके बाद इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का फाइनली चॉप गाजर यूज़ किया है। आप ये सब डालकर बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये बहुत हेल्दी भी होता है। और इसमें से आपके पास कोई वेजिटेबल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आपके पास जो है आप उसको डालकर बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक टोमेटो डाला है फाइनली चॉप। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक ऐड करें, नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉस का भी यूज़ किया है इसलिए मैंने यहाँ पर नमक थोड़ा कम यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। मैंने चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और सूजी तीनों का यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर भी यूज़ किया है। तो आपके पास इन तीनों में कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वो तब भी बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 1 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और उसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल के इसको अच्छे मिक्स करें और इसमें डाल दें। अगर ये नहीं है, अगर आपके पास सेजवान सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जाएगा धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप स्किप ना करें, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आप इनको डालिए। लास्ट में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच सूजी, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस आएगी, आप बनाकर देखिएगा। बस इनको डालकर आप अच्छे से हाथों से मिला लीजिए। आप हाथों से ही मिलाइए तब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो पाएगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने इसमें नमक यूज़ किया है तो आपको इसको मिलाकर फटाफट फ्राई करना है, नहीं तो ये वेजिटेबल की वजह से सारा पानी छोड़ देगा। तो इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, नहीं तो ये हाथों में चिपकता है, थोड़ा स्टिकी होता है। बस आप इसको ऐसे लेकर आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इस शेप का बना के रेडी किया है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऐसे ही आप सारा बनाकर रेडी कर लीजिए। एक और बनाकर दिखा देती हूँ। मेरा शेप परफेक्ट नहीं है बट आपको जैसा बने आप वैसा बना लें, बिल्कुल ऐसा। ऐसा ही हम सारा बना कर रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारा बना कर रख लिया है। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद हम फ्लेम को करेंगे लो से मीडियम और एक एक करके सारे कटलेट हम डाल देंगे। तो एक बार में मैंने यहाँ पर 4 कटलेट फ्राई किया है। हम डालने के बाद इसको 1 मिनट बाद ही चलाएँ, नहीं तो ये ब्रेक होते हैं। और लो से मीडियम फ्लेम में फ्राई करने से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो बस 1 मिनट बाद आप इनको स्टर करें। ये देखिए अभी चिपक रहे हैं, बाद में अपने आप निकल जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो बस ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप ऐसे करके सारे कटलेट हम फ्राई करेंगे, तो एक एक करके आप निकालते जाइए। एक बैच मैंने 4 फ्राई कर लिया है, अब मैं यहाँ पे दूसरा बैच फ्राई कर लूँगी। ये देखिए बनके रेडी है हमारे ब्रेड कटलेट, वेज कटलेट, आप जो भी बोलें। आप इसको बनाकर एंजॉय करें, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।